इधर ही हमने गुफ्तगू हुई थी जो उन्होंने कंटेम्प्ट में उसमें ले आई थी। बहरहाल वहां पे उस बाद में जो कुछ हुआ इट इज पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, और उस सारे क्राइसिस में जो है वो बहुत सी चीजें सामने आई जो शाह साहब ने आपको बता भी दी है, लेकिन हमें बड़ा रेजोल्यूटली जो है एक्ट करना पड़ेगा इस सदारे को। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया है, उन्होंने कहा है हम कोर्ट के साथ हैं, हम भी कोर्ट के साथ, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टेरिटोरियल जो ट्रेसपासिंग जो है वायलेशन जो है उसके खिलाफ है। क्या हमारी टेरिटरी, हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, बल्कि जब भी हमारी टेरिटरी वायलेट हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जस्टिफिकेशन जो है उन कोर्ट्स ने दी हुई है, उन अदालतों ने दी हुई है। जब भी आईन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। हमने भी साथ तावन किया, हमने भी सहूलतकारी की, हम भी उसके बेनिफिशरी बने। सियासतदान जो है मुबर्रा नहीं है, लेकिन आज जो है लेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स जो है प्रोवाइड करता है हम उसको, और देखें उसमें यह भी शामिल करें जनाब स्पीकर, उसमें यह भी शामिल करें, अगले दिन हमारे वजीर साहब यहां पे इस वक्त नहीं बैठे हुए, शहादत साहब जो हैं उन्होंने, सेनेटर जो हैं जी मौजूद हैं, इन्होंने 1,80,000 मुकदमे पेंडिंग है हमारी जो है जो सीनियर जुडिशरी के सामने, 51,000 जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सर जमानतें जो हैं अगर ना हो ना, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या गुजरती है कैदी के ऊपर। आज एक जज साहब ने मेरे जमानत की एप्लीकेशन जो है सुनने से इनकार कर दिया था और कोर्ट से बेंच से अलहदगी, वो अब केस सुन रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब का, पता नहीं क्या किया उन्होंने, कल किया या आज किया है, हैं भी वो गुजरात के। तो ये तो हमारे साथ हाथ होते रहे, और ये क्या जिम्मेदारी जो उनकी है बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग में फंसने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये भी उनका काम है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी काम है इंसाफ फराम करना, 51,000 मुकदमों में उन्होंने इंसाफ नहीं फराम किया अभी तक, जमानतों के हजारों केस हैं। मैं सही कह रहा हूं शाह साहब?